हाय दोस्तों, अभी मैं आपको फिर से क्या बोल रहे हो। एक टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ। जो जैसे अभी तक आपने हम तीन सेगमेंट आपको हम तीन टेक्निक दिखाया हूँ, तो ये हमारा चौथा टेक्निक है। 2 इंच के पाइप पे सिंगल वाल, डबल वाल, सिंगल इमेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग एक दूसरा डबल वॉल टेक्निक। सिंगल इमेज यही बोलेंगे ना इसको, हाँ, इसको सुपर इम्पोज सुपर बोलते इम्पोज बोलते हैं ना। हाँ भाई, हम सुपर इम्पोज में कितने सेगमेंट लगाते हैं वो थोड़ा दिखाइए। हमने तो देखा इलिप्स में ए और बी, इसमें। मतलब दो ही फिल्म में। आउटर डायल को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपका ओके, तीन सिगमेंट आएगा ए बी सी, ए बी सी। ओके, ठीक है। इसमें सोर्स को एग्जैक्ट सेंटर के बेल्ट के स्टेप में सेट करते हैं, ओके, ठीक यस। है। रखेंगे के बाद इसमें जो आपका रिक्वायर्ड सेफ्टी है वो सेंटर पे सेट करके मेजर करते हैं, ठीक। ओके, मैजिक। ये आपका सेंटर होना चाहिए, ठीक। स्ट्रेट, ये सोर्स स्ट्रेट रहेगा। फिल्म से भी फिल्म से मेजर करके फिल्म सेफ्टी से अभी देखेंगे। तो इसमें सेफ्टी कम किया है, ठीक है। मिनिमम 16 इंच रख रहे हैं ओके, सेफ्टी, ठीक है। ये आपका सेंटर सेट करने के बाद इसमें ए बी सी तीन सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट को बारी बारी सिलेंगे बारी बारी से कंटिन्यूसली। मूव ए करें, सेगमेंट हो जाएगा, फिर फिर दूसरे सेकंड का टाइम बी सेगमेंट सेगमेंट को सेटअप करेंगे, फिर फिट थर्ड टाइम सी सेगमेंट को सेट करेंगे। सेट करें। और इस अभी तरह ए सेगमेंट को सेट करते हैं। ए सेगमेंट को सेट करने पे फिर हम, ये आपका आई डी है, ये प्रोजेक्ट का वाइट ये आई डी सब कुछ, जॉइंट नंबर, बिल्डर नंबर, सब कुछ है। ये हो जाने के बाद लास्ट में 100 सेटिंग के बाद हम पेंटामीटर स्विच करेंगे। ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड आगे वायर जो है उसको सेंटर में रखते हैं। रिक्वायर्ड वायर आपस इसमें 12th वायर रिक्वायर्ड है, डिन 10 FE डिन का, कि ओके, ये जो आपका थिकनेस है 5.54, 2 इंच का पाइप है। ये सेटअप होने के बाद लास्ट में स्टार्ट करने से पहले हम कोलिमेटर को इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम जब कुछ सोर्स करेंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा ट्रेनिंग पर्पस वीडियो है। जस्ट हम लोग लर्निंग पर्पस बनाते हैं और सीखते भी है, और सिखाने का भी ट्राई करते हैं कि कोई सीख ले हमारे वीडियो से। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज करें, कोई दिक्कत।